साथियों, सही नीतियां हो और सबका प्रयास हो तो कैसे बड़ा बदलाव आता है, इसका एक बड़ा उदाहरण अभी हम जब फिल्म देख रहे थे उसमें भी उसका उल्लेख था, हमारा खादी। आजादी के शुरू शुरू में तो खादी याद रही, धीरे 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 खादी सिकुड़ करके नेताओं का कॉस्ट्यूम बन गया, नेताओं के लिए ही बच गई वो। बड़ा बड़ा कुर्ता पहनो, चुनाव लड़ो, यही चलता था। उस खादी में फिर से प्राण भरने का काम किया। पहले की जो नीतियां थी उसको आज देश भली भांति जानता है। अब पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गांवों में हमारे छोटे छोटे उद्यमियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बहुत परिश्रम किया है। बीते 8 वर्षों में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना। बीते 8 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1.5 करोड़ से ज्यादा साथियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। अब भारत की खादी लोकल से ग्लोबल हो रही है, विदेशी फैशन ब्रांड भी खादी की तरफ आकर्षित हो रही है। हमारा उस पर भरोसा होना चाहिए। हम अगर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया कौन भरोसा करेगी? आप अपने घर में अपने बच्चे का सम्मान नहीं करोगे तो आप चाहोगे कि मोहल्ले वाले करें? हो सकता है क्या? नए नए क्षेत्रों से नए नए बाजारों के लिए नए रास्ते बने हैं, जिसका छोटे उद्योगों के लिए बहुत फायदा हो रहा है।